हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। जैसा कि आज है मंडे और टाइम होने वाला है रॉक के न्यू एपिसोड का। WWE ने आने वाले इस एपिसोड के लिए काफी कुछ पहले से अनाउंस किया हुआ है, जिसमें WWE की हिस्ट्री में पहली बार फैंस को सुपरस्टार के बीच फिस्ट फाइट देखने को मिलने वाली है। ब्रॉक लेसनर भी इस शो में दिखने वाले हैं। अब पूरे एपिसोड में क्या क्या दिखने वाला है उससे रिलेटेड बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरू करें वुमेन्स डिवीजन से, तो लास्ट वीक शार्लेट फ्लेयर वर्सेस सारा लोगन के बीच मैच होना था। मैच से पहले ही ये दोनों सुपरस्टार रिंग साइड बुरी तरह से भिड़ गई थीं, जिसके बाद ये मैच नहीं हो पाया था। इस वजह से आने वाले इस एपिसोड में हमें इन दोनों के बीच फिर से मैच दिखाई दे सकता है। अगर मैच हुआ तो जीत डेफिनेटली यहाँ शार्लेट फ्लेयर की होगी, क्योंकि लास्ट वीक उन्होंने सारा लोगन को रिंग साइड बुरी तरह पीटा था। अब बात आती है बैकी लिंच और आस्का की। तो लास्ट वीक बैकी लिंच ने रिंग में आस्का को जबरदस्त पंच जड़ा था और फिर चली गई थी। अब जब रॉयल रंबल काफी नजदीक है, तो उम्मीद है इन दोनों के बीच इस एपिसोड में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल सकती है। ऐसा होने की जरूरत भी है, क्योंकि अभी जरूरत है इनकी फ्यूड को थोड़ा मोमेंटम देने की PPV से पहले। अब हो सकता है भिड़ने से पहले ही इन्हें रोक लिया जाए, या ये भिड़ंत इतनी जबरदस्त हो जाए जहां सिक्योरिटी को आके इन दोनों को सेपरेट करना पड़े और दोनों के बीच बीच बचाव कराना पड़े। वहीं WWE कंफर्म कर चुकी है कि रूसे वर्सेस बॉबी लैशले के बीच 1-on-1 मैच दिखेगा इस एपिसोड में। दोनों की साइड से रिंग साइड लिव मॉर्गन और लाना मौजूद रहेंगी। मैच के दौरान लिव और लाना दोनों ही रिंग साइड बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, जिसका सेंस भी बनता है, क्योंकि 2 वीक पहले लाना ने लिव पर अटैक भी करा था अपने वेडिंग सेगमेंट के दौरान। रूसेव और बॉबी लैशले के बीच मैच में जीत रूसेव की होने वाली है, और शायद वो लिव की हेल्प से होगी, जिसके बाद इनके बीच मिक्स मैच टैग टीम मैच होगा आने वाले किसी पॉइंट पर। जैसा कि WWE ने एलिस्टर ब्लैक वर्सेस बड़ी मर्फी के बीच मैच अनाउंस कर दिया है इस शो के लिए। अब इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इनके बीच होने वाला मैच धांसू होगा। इस मैच में उम्मीद है कि बड़ी मर्फी की जीत होगी, तो उनकी पहली जीत होगी ब्लैक के अगेंस्ट। अब हो सकता है कि बड़ी मर्फी की ये जीत चीटिंग से हो, जिससे हारने के बाद भी ब्लैक यहां हीरो दिखाई देंगे, और ऐसा करके WWE इनके बीच और भी मैच आगे करा पाएगी। अब बात आती है US चैंपियन आंद्रादे की। तो लास्ट वीक आंद्रादे ने अपना टाइटल रे मिस्टीरियो के खिलाफ रिटेन कर लिया था। मैच के दौरान आंद्रादे ने रे मिस्टीरियो का मास्क भी उतार लिया था, जिसके बाद रे मिस्टीरियो ने बैक स्टेज आंद्रादे पर अटैक करके मास्क अपना वापस लिया था। इससे ये साफ है कि इन दोनों के बीच फ्यूड आगे दिखाई देनी है, जिस वजह से आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है आंद्रादे रे मिस्टीरियो के ऊपर बुरी तरह से अटैक करते हुए दिखाई दे जाएं, सेम वैसे ही जैसे आंद्रादे ने कार्लियो पर कुछ हफ्ते पहले करा था। या हो सकता है कि इस एपिसोड में कार्लियो वर्सेस आंद्रादे के बीच मैच दिख जाए, और इसी मैच में रे मिस्टीरियो और आंद्रादे के बीच कुछ ना कुछ होता हमें दिख जाए US टाइटल के लिए। अब बात करूं एजे स्टाइल और वाइपर रैंडी ऑर्टन की। तो लास्ट वीक ऑर्टन रॉ पर नहीं दिखाई दिए थे, वहीं एजे स्टाइल अकीरा टोजावा के खिलाफ मैच में दिखाई दिए थे, जहां उन्होंने ऑर्टन के मूव अपने मैच में यूज करके ऑर्टन को उकसाया था। अब आने वाले इस एपिसोड में उम्मीद है रैंडी ऑर्टन इसका जवाब देंगे, वो भी किसी सुपरस्टार के खिलाफ मैच लड़ते हुए। वो भी एजे स्टाइल्स के कुछ मूव इस मैच में यूज करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और एजे स्टाइल को उकसाने का काम करेंगे। अभी एजे स्टाइल के फिनिशिंग मूव तो जरूर हो सकते हैं। वहीं लास्ट वीक हमें 6-man टैग टीम मैच दिखाई दिया था, जो कि ऑथर ऑफ पेन सेथ रॉलिंस वर्सेस केविन ओवेंस, समोआ जो और बिग शो के बीच हुआ था। बिग शो की इस मैच में रिटर्न हुआ था। अब आने वाले इस एपिसोड के लिए फिर से WWE ने इन सभी के बीच 6-man टैग टीम मैच कंफर्म कर दिया है, बट इनके बीच ये फिस्ट फाइट होगी। WWE की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा मैच होने वाला है, जिसके रूल्स भी WWE ने अभी क्लियर नहीं करे हैं। खुद इस मैच में शामिल सुपरस्टार ने ट्विटर पर रिएक्ट करते हुए WWE से इसके रूल्स को पूछा है। अब क्या होगा इस मैच में वो रूल्स के बाद ही पता चलेगा। नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच अगर ये होता है, तो यहाँ काफी कुछ वेपन चलते हुए दिखाई दे सकते हैं हमें WWE के। अब रॉक के आने वाले इस एपिसोड में ब्रॉक लेसनर भी दिखने वाले हैं। अब जब लास्ट वीक ब्रॉक लेसनर का नाम जब डिक्लेयर हो गया है कि वो 30 मेंस रॉयल रंबल मैच में नंबर 1 पर एंट्री करेंगे, तो इस एपिसोड में आके वो करेंगे क्या, जिस वजह से मुझे लगता है कि वो रॉ पर सैटेलाइट के जरिए लाइव आ सकते हैं, या अगर वो रॉ पर एंट्री लेते हैं तो शायद वो इस मैच में पार्ट लेने वाले सुपरस्टार को वार्निंग देते हुए नजर आएंगे। तो फ्रेंड, ये था आने वाले रॉ के एपिसोड का प्रीव्यू वीडियो। यही सब कुछ होता दिखाई देने वाला है इस एपिसोड में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वैसे आपको क्या लगता है क्या होगा फिस्ट फाइट में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।